we started with the laws of chemical combination. So there are two laws of chemical combination, law of conservation of mass, that was given by Antoni Lavoisier in 1774. And according to that law, mass can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to the another. Or in another form, you say that the total mass of the reactants is equal to the total mass of the product. Okay. So in this context, we take the example of barium chloride and sodium sulfate. In the similar way, the examples can be for the copper sulfate also and sodium carbon. Don't worry if you don't write down or you don't know the formulas right now. ठीक है, कोई बात नहीं, जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे हम तब ये कर लेंगे. अभी आप इनको वर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, कॉपर सल्फेट लाइक दिस. प्लस सोडियम कार्बोनेट, अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन करूंगी तो क्या बनेगा? इट विल गिव यू, आपने जो आयंस हैं वो एक्सचेंज कर देने हैं बस. इसका आयन सल्फेट है, इसका आयन कार्बोनेट है, तो कॉपर कार्बोनेट कर देना है और सोडियम सल्फेट कर देना. ओके, सो यू विल बी गेटिंग कॉपर कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट. अगेन फॉर्मूलाज नहीं पता है, इट्स ओके, वी विल बी डूइंग दैट लेटर ऑन. अदरवाइज फॉर्मूला कॉपर कार्बोनेट का CuCO3 है और सोडियम सल्फेट का Na2SO. In the similar way, if I gave you the another reaction of lead nitrate and sodium chloride, lead का PB होता है, this is the formula of lead nitrate and the reaction with sodium chloride, that is NaCl. ठीक है, in the same way आप word equations में लिख सकते हो. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? लेड और सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, लिख लोगे तो यू विल बी गेटिंग PbCl2 एंड NaNO3. फॉर्मूलाज नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम करेंगे. अदरवाइज सिंपली आप वर्ड इक्वेशंस में लिख सकते हो इसको. हाँ जी, लिख लेना आपने. लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, यू विल बी गेटिंग लेड क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. हाँ जी, बोलो बेटा. ओके, इज इट क्लियर? सो दिस इज लेड नाइट्रेट, दिस इज सोडियम क्लोराइड. ये हो जाएगा लेड क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, लेड क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. So this is all about your first law, that is law of conservation of mass. Now coming to the second law. हाँ जी, कर लो, नीचे वाला भी करने थे. कर लो नो. Na2SO4, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला. Na2SO4. जी धीरेन बोलिए बेटा. यस धीरेन. मैम ये PbNO3 को ब्रैकेट में क्यों डाला है? बेटा मैं बोल रही हूँ, फॉर्मूलाज लिखने में आपको सिखाऊंगी. ठीक है, अभी आप डायरेक्टली फॉर्मूलाज को लिख लो एंड वर्ड इक्वेशंस जो हैं वो तो आप अंडरस्टूड कर ही गए हो अभी तक. ठीक है, ये फॉर्मूलाज लिखने में सिखाऊंगी. ओके ओके मैम. हाँ जी, क्लियर. कमिंग टू द नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. सो लास्ट टाइम आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की मैंने एग्जाम्पल ली थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, चाहे वो
किसी बर्निंग प्रोसेस से निकल रही है. ओके, आइदर इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप तोड़ रहे हो तो दैट इज गिविंग यू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. चाहे यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, चाहे जो फैक्ट्रीज का वेस्ट है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ऑटोमोबाइल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है. ओके, इन ऑल दीज केसेस द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, वेयर वी आर हैविंग वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन एटम एंड दिस इज द रेशियो बाय नंबर. दिस इज द रेशियो बाय नंबर. तो हम क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन में हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर हम प्योर केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं, ओके, द वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, प्योर, इम्प्योर नहीं लेना है हमने कुछ भी. हम क्या ले रहे हैं? प्योर सब्सटेंस ले रहे हैं. प्योर सब्सटेंस में जो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो भी उसके एटम्स हैं, वो हमेशा सेम रेशियो में होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में होते हैं बाय मास ले लो और ये फिक्स्ड रेशियो बाय नंबर ले लो. ओके, सो दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. डेफिनेट का मतलब है सेम, कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन. अब अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो ये है, इज दिस करेक्ट? आप क्या कहोगे कि मैम ये कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना, ये तो कार्बन, ठीक है. यू कैन डिस्टिंग्विश वेल बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर दो ऑक्सीजन है तभी मैंने उसको डाइऑक्साइड कहना है, अगर एक ऑक्सीजन हो गया तो वो मोनोऑक्साइड में चेंज हो गया. ओके, सो दैट इज द लॉ कि अगर आप किसी भी केमिकल कंपाउंड की बात कर रहे हो तो उसमें जो कॉम्पोजिशंस हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगी. आइदर यू कैन टेक दैट कॉम्पोजिशन बाय मास और आइदर यू कैन टेक दैट कॉम्पोजिशन बाय नंबर. अब मास मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अब ये मास आपने याद रख लेना है, ठीक है. अगेन दिस वी विल बी डूइंग लेटर ऑन. कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास 16, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन लगे हैं तो 16 2 30. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 3 12, 4 8 32. सो दिस इज द रेशियो बाय मास. हाँ जी बेटा, हीट 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 किया, ओके, डीकम्पोजिशन की है, उसकी हीटिंग की है. सो दिस लॉ इट वॉज गिवन बाय एक्चुअली जे प्रूस्ट. This law was given by J. Proust in 1799. क्या मास कहाँ से ची बेटा, 16 2 दो ऑक्सीजन है ना, एक का 16 है तो दो का कितना हो जाएगा 32. मितांश का नाम लिख लो. इज दिस क्लियर? You can write down the definition now. कार्बन का मास 12 होता है, ये भी मैं करवाऊंगी आगे, ठीक है. फॉर द टाइम अभी याद रख लो कि कार्बन का मास 12 है और ऑक्सीजन एक का 16 है तो दो का 32 हो जाएगा. ये करेंगे अभी, हम सारा करेंगे. राइट डाउन अ प्योर केमिकल कंपाउंड. अ प्योर केमिकल कंपाउंड, एक डेस्क छोड़ के बैठो. अ प्योर केमिकल कंपाउंड, तुम्हें निकाल लास्ट डेस्क को आया मैंने लास्ट सेकंड पे. अ प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, अ प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, हमेशा सेम ही रहेंगे एलिमेंट्स. A pure chemical compound is always made up of same elements combined together
in a fixed ratio combined together in a fixed ratio by mass or by fixed ratio by mass or by number. Write down one question. Hydrogen and oxygen. Anji. Hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8. Hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass. 1:8 by mass to form water. What weight of oxygen gas would be required? What weight of oxygen gas would be required to completely react with 3 grams of hydrogen gas? Chaliye batao iska answer. आपको क्या गिवन है? कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो 1:8 रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं बाय मास. ये आपको रेशियो गिवन है. आपसे पूछा है कि कितनी ऑक्सीजन गैस जो है वो रिएक्ट करेगी 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ. ठीक है, आपने ऑक्सीजन गैस का निकालना है. यहाँ पर रखते हैं हम ऑक्सीजन गैस को. हियर यू हैव टू फाइंड फॉर द हाइड्रोजन. यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस रखते हैं. अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है कितने ऑक्सीजन के साथ? यही गिवन है. अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? आप ऐसे ही करते हैं ना, 8, फिर इसको आप डिवाइड करते हो इससे आप. सो योर आंसर इज 24 ग्राम. क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? क्लियर? चलिए, लेट्स डिस्कस द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स. जहां तक हमने अभी कर लिया हुआ है, जो आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, साथ साथ में वो भी डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट हैपेंड? चलिए, you can see the first question. In the first question they are saying, likhne ki zarurat nahi hai, bas sun lo, main aapko sari cheeze yahan pe blackboard pe likhungi. Theek hai, question kafi lengthy hai to main sara aapko note nahi karwaungi. Okay, baki sari measurements jo values hai main sari likhne lagi hu. In a reaction 5.3 gram of sodium carbonate, it reacts with 6 grams of ethanoic acid. Kiya hua hai? Yes.
2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर करवा लिया हुआ। अच्छा बस ओके, इसका मतलब ये हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं फिर। चलो नेक्स्ट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इस थ्योरी के मेन आपको पूछे जाते हैं पोस्टुलेट्स, ठीक है। इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं दैट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन द क्वेश्चन, दैट राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अब ये थ्योरी जो है दैट इज एक्चुअली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो आपके दो लॉज थे उन्हीं से ही आगे जो है ये थ्योरी जो है वो हमने डिस्क्राइब की है। अब इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वी विल बी राइटिंग दैट, सो राइट डाउन द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट, लिखो पहले। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। पहला पॉइंट है कि जो सारे मैटर है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, फिर एटम्स का क्या कहा था उसने, दे आर इंडिविजिबल। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, एटम्स दे कांट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, दे आर टाइनी, बहुत छोटे हैं, इंडिविजिबल, डिवाइड नहीं हो सकते हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल मीन्स आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते उनको। एटम्स दे कांट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, दे आर टाइनी, इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। ना ही आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही आप उनको तोड़ सकते हो फर्दर। हाँ हाँ वो नए लॉ की फॉर्म में लिखेंगे ना, लॉ है हमारा नया। Write down the third point. Atoms can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction. जो हम कौन सा law कहते हैं? तो आपकी NCERT में एक question है कि Dalton theory का कौन सा postulate जो है वो law of chemical combination में से किसी law को represent करता है। So this is the law. Atoms can neither be created nor be destroyed. This represents which laws? Law of conservation of mass. आगे लिखिए, देखिए, for the next point, if I brought 6 balls, मैंने सारी red color की एक ही size की सारी 6 balls ली हैं, तो वो सारी की सारी 6 balls जो हैं, वो मेरे लिए identical हैं, same हैं। ऐसे ही एलिमेंट्स का केस होता है, अगर मेरे पास एटम्स हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइप के, जैसे मैंने इन रेड बॉल्स को कह दिया दैट दे आर द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो जितने भी ये 7-6 मेरे पास बॉल्स हैं ये सारी की सारी ऑक्सीजन एटम्स रिप्रेजेंट करेंगी। और मेरे लिए अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूंगी तो मेरे लिए ये सारी की सारी बॉल्स जो हैं वो सारी सेम है, इन देयर शेप दे आर सेम, इन देयर कलर दे आर सेम। ओके, सो एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर साइज और यू कैन से ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, दे ऑल आर सेम विद रिस्पेक्ट टू देयर शेप साइज। सो राइट डाउन, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। कहते हैं कि जो सारे एटम्स हैं, ऑल द एटम्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी है ऑक्सीजन की, अगर मैं ऑक्सीजन एलिमेंट के सारे एटम्स ले रही हूँ तो वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे हर एक कंटेक्स्ट में। ओके, सो ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू देयर शेप साइज एंड मास।
all atoms of a given element are identical in their shape, size, mass, chemical properties. ठीक है, इन सब में ये सेम होंगे, उनकी शेप सेम होगी, उनका साइज सेम होगा, उनका मास सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी सेम होंगी सबकी. ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन. हाँ जी, शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज. हाँ जी, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब उनकी रिएक्शंस किसी के साथ वो सेम होंगी. अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स लेती हूँ, सपोज इफ आई टेक द एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड आई टेक द एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्या उनमें कोई डिफरेंस होगा? हाइड्रोजन का मास कम है, ऑक्सीजन का मास ज्यादा है. तो इफ आई एम टेकिंग द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज. हाँ जी, इज इट राइट? अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट्स ले रही हूँ तो उनके जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे, उनका मास अलग हो सकता है, उनका शेप, साइज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें उनकी डिफरेंट होंगी. हाँ जी, हाँ जी, इज इट क्लियर? नेक्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन. ये आपने एक्सप्लेन कर लेना है, आप इस लॉ में कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन क्या है. ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, बाय मास और बाय नंबर. ठीक है, हाँ जी, सिक्स पॉइंट है आपका. क्या लिखना? Sixth point is law of constant composition. Sixth point is law of constant composition. Seventh point लिखिए. बोला तो है law of constant composition बेटा. Write down the next point. The relative number and kinds of atoms, the relative number and kinds of atom are constant in given compound. The relative number and kind of atoms are constant in a given compound. Again this represents law of constant composition. ठीक है, कहते हैं कि जो relative number है, कितने number होने चाहिए और उनका क्या kind होनी चाहिए, the kind of atoms, they are always constant for a given compound. So 6 and 7 point, they both represent the law of constant combination. Okay? आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज द लास्ट पॉइंट. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हाँ जी, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन in different ratios. Atoms of same elements can combine in
more than one ratio to form different compounds. इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, ठीक है? तो रेशियोज इनकी चेंज हो सकती हैं, यही सेम एलिमेंट्स ही लिए हैं हमने दोनों में, एंड दे कैन चेंज, दे कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियोज, एक से ज्यादा रेशियोज में भी ये कंबाइन कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड भी दे सकते हैं. जैसे वॉटर है, वॉटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, H2O भी बना सकते हैं, H2O2 भी बनाते हैं, दैट इज परऑक्साइड, दैट इज एन आयन, वो आयन होता है. ऐसे ही ये CO32 नेगेटिव आयन भी बनाते हैं, ठीक है, CO32 नेगेटिव भी बनता है, बट हम आयन्स की बात नहीं करेंगे, अभी हम कंपाउंड्स की बात करेंगे, ठीक है? तो दिस इज वॉटर, अगर H2O2 हो जाएगा तो दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड. क्लियर?